हाँ जी सत श्री अकाल जी। मैं एक बिल्कुल सिंपल जा डिजाइन दस रही हूँ, बिल्कुल इजी। पहला इस मतलब यहाँ पर ना पहले वो कर लो, सॉरी मैं कभी हिंदी बोलती हूँ कभी पंजाबी, सॉरी वेरी सॉरी। ये देखो पहले ना नीचे ये गोला सा बना लो रेड कलर का, वो इसलिए बनाना होता है कभी कभी कहाँ कहीं कलर ये छूट भी जाए तो जो नीचे का कपड़ा नहीं दिखेगा फिर। अब देखो मैं ये बना रही हूँ डिजाइन और आप इसको देखो जो कलर किया है ना उससे थोड़े से ऊपर ऊपर को बनाते जाओ। ये देखो इस तरह से कोई शेप कैसे ले जाओ, कोई ऊपर कोई गोलाई में। ये देखो आप ये बिल्कुल सिंपल है और सुंदर लगता है। जरूरी नहीं है इसकी शेप गोल होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी जैसी मर्जी हो। ये मैंने पहले से दो बना रखे हैं और अब ये एक आपको बताने के लिए बना रही हूँ। और आप मेरा जो नया चैनल है, मेरे दो चैनल मैंने बना रखे हैं, एसके क्रिएशन और बबली आर्टिस्ट गंगानगर, और आप दोनों को सब्सक्राइब कर लो। कई बार मैं कोई वीडियो उसमें डाल देती हूँ कोई उसमें डाल देती हूँ ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। अब देखो पहले तो ये बाहर की साइड किया, अब अंदर की साइड जो है ना कैसे करना है वो देख लो। ये देखो पहले हमने ये चारों तरफ बनाया और फिर ये बीच में ऐसे किया। ओके अब जो इसका ऊपर की तरफ जो राउंड है वो बनाएंगे। ये जॉर्जेट है ना, थोड़ा सा जॉर्जेट पर हल्की सी डिफिकल्टी होती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जॉर्जेट पे वो अपने अंदर सोखता नहीं है ना ये जॉर्जेट। और ये ऐसे घुमा देंगे इसको। ये देखो ये तो सारा जो कर रहे हैं वो तो एक ही स्टाइल है, बस इस तरह से करते जाना है। ठीक है ये फिर ये सारा ऐसे करके और ये ऐसे अंदर की साइड करके और ये फिर ऐसे इधर को कर दिया। ठीक है बस अब दो ब्रश चलाएंगे और ये आपके सामने रेडी हो जाएगा। ये देखो मैंने बोला था ना दो ब्रश चलाएंगे और रेडी, और ये आपके सामने बन चुका है। बाद में जैसे ये जब सूख जाएगा ना, मान लो ये जब सूख जाएगा तो आप इसको जो है ना दूसरे ब्रश से कहीं कहीं जैसे ये वाइट पन नहीं आया है ना तो इसको ऐसे धीरे धीरे आउटलाइन कर सकते हैं। ये देखो ऐसे दूसरे ब्रश से ना इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है जहां जहां से थोड़ा सा रह जाता है वहां से इस तरह से इसकी आउटलाइन करेंगे। ये जो ब्रश है वो आउटलाइन वाला नहीं है इसलिए इससे थोड़ी सफाई से नहीं आ रही, और कहने का मतलब इस तरह कर लेनी है क्योंकि मेरा आउटलाइन करने वाला ब्रश जो है इस टाइम मेरे पास नहीं पड़ा। अब ये इतना करने के बाद वो कलियां तो बिल्कुल सिंपल है वन स्ट्रोक वाली, वो आप कई बार जो है ना देख भी चुके हो, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। ये देखो मैं कैमरा नजदीक, ये देखो पहले वो ऊपर की साइड किया और फिर इसको ऐसे
ये देखो बिल्कुल इजी है ना कली ये। ये देखो अभी इसकी धीरे धीरे डेकोरेशन करते जाएंगे। जैसे ये जो पत्ते हैं उसकी आउटलाइन करेंगे, जो ये लीव्स बने हैं इसके, है ना, और इसकी जो कलियों की डंडियां बनाएंगे, ये देखो आप दूर से, और वो दुपट्टा जो है अभी अड्डे पे लगा हुआ है, ये देखो इस तरह से ये लगेगा, और वो दुपट्टा भी इनकम्प्लीट है। ओके फ्रेंड्स, अभी जो है ऑनलाइन क्लास भी शुरू होने वाली है मेरी पेंटिंग की, और आप में से कोई भी ऑनलाइन क्लास लगाना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर होगा, और किसी तरह की भी पेंटिंग सीखनी हो, स्केचिंग, ऑयल पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप और ये कपड़ों वाली स्केचिंग वगैरह जो भी। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।